नमस्कार। शुभम करोति इति शिवम, यानी जो शुभ करते हैं वही शिव हैं। भगवान शंकर सृष्टि के कण कण में समाए हैं। जैसे सूरज का प्रकाश दसों दिशाओं में फैला हुआ है, लेकिन उसे देखने के लिए आंखें चाहिए, वैसे ही परमेश्वर हमारे चारों ओर हैं। बस वो दृष्टि चाहिए जो उनकी छवि देख सके। तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर हमें अपनी करुणा का वरदान देने के लिए इस धरती पर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करते हैं, और ऐसा विश्वास है कि शिव के ये ज्योति रूप साक्षात परम ब्रह्म की ही छवि है। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय स्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मानव जीवन जब जब निष्प्राण और संकटग्रस्त हुआ है, उसमें तेज और प्राण भरने के लिए भगवान शंकर ज्योति रूप में प्रकट हुए और इस धरती पर सदा सदा के लिए विराजमान हो गए। शिव के इसी ज्योति रूप को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, मांधाता पर्वत पर ओंकारेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकिनी वन में भीमा शंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, पडली में बैजनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय तीर्थ में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगों के रूप में भगवान शंकर इस धरती के कोने कोने में विराजमान हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट शिवालय तीर्थ भगवान शंकर के 12वें ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर का परम धाम है। इलापुरे रम्य विशाल केस्मिन् समुल्लसन्तं च जगत्तरण्यं वंदे महोत्तार तव स्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। कहते हैं सृष्टि जहां से जन्म लेती है उसी परम शक्ति की आराधना से जीवन सफल है। भगवान शिव का लिंग रूप ही वो स्रोत है जहाँ से इस संसार की जीवन धारा बहती है। एल नदी के तट पर भोलेनाथ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। शिव का अर्थ है कल्याण। भगवान शंकर की कृपाएं उस पारस मणि की तरह है जिसके स्पर्श से पत्थर भी सोना हो जाता है। घृष्णेश्वर धाम का कण कण शिव के इसी कल्याणमयी रूप का साक्षी है। चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम विहितं वा सर्वमेतक्षमस्व जय जय करुणाब्धे हे महादेव शंभो। कहते हैं स्वयं जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी भी भगवान शिव की महिमा का पार नहीं पा सके।
यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम शिव के उस लिंग रूप के दर्शन कर सकते हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् दिवा वसामि सर्वत्र रात्रौ चैव शिवालये, यानी भगवान शंकर दिन में चाहे कहीं भी हो लेकिन रात यही शिवालय तीर्थ में व्यतीत करते हैं। भगवान शंकर को घृष्णेश्वर धाम परम प्रिय है। ये विश्वास है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में घृष्णेश्वर लिंग पूर्ण है, जिसका दर्शन करने से शिवजी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से अनेकों कथाएं जुड़ी हैं, लेकिन शास्त्र भोलेनाथ की परम उपासक घुष्मा और उसकी असीम श्रद्धा को ही इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का कारण मानते हैं। घृष्मा परम शिव भक्त थी। वह हर रोज अपने हाथों से 101 शिवलिंग बनाकर शिवजी को अर्पित करती थी। एक दिन ईर्ष्यावश सुदेहा ने घृष्मा के पुत्र की हत्या कर उसके शव को उसी कुंड में डाल दिया जहाँ घृष्मा शिव की पूजा करती थी। पुत्र खोने का दुख भी घुष्मा की भक्ति को कम न कर सका। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसके पुत्र को जीवित कर दिया और उसे साक्षात दर्शन दिए। घुष्मा की प्रार्थना पर ही भगवान शंकर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदा सदा के लिए विराजमान हुए। अलख निरंजन साधो भजले अलख निरंजन, अलख निरंजन साधो भजले अलख निरंजन। पावन होंगे ये तन और ये मन, अलख निरंजन। भगवान शंकर इस सृष्टि का कारण है, वही इस संसार के प्रथम पूज्य देवता हैं। भोलेनाथ के चरणों में सिर झुका के जिस अलौकिक आनंद का एहसास होता है वो इस संसार में दुर्लभ है। शिव सुखदाय मिटे सब शोका, तीन नयन रक्षक त्रैलोका। शुक्ल पक्ष शशि वाढ़े जैसे, पुण्य बढ़े दर्शन से ऐसे। सच्चित रूप शुभंकर लिंगम, जय जय हे कृष्णेश्वर लिंगम। भगवान शंकर के सभी रूप सुखदायी हैं। शिव पुराण में यह वर्णन है कि श्री घृष्णेश्वर लिंग के दर्शन से शुक्ल पक्ष के बढ़ते हुए चंद्रमा की भांति हमारे जीवन के पुण्य भी बढ़ते ही जाते हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मंदाकिनी सैलचंदन चर्चिताय
पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिखाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनिन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। भगवान शंकर भक्त वत्सल हैं, उन्हें अपने भक्तों से अथाह प्रेम है। ये भोलेनाथ ही थे जिन्होंने विष पीकर इस संसार को अमृत दिया। नमः शिवाय। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस पुण्य भूमि पर स्थित है उसे शिवालय तीर्थ कहते हैं। ऐसा विश्वास है कि शिवालय कुंड का जल स्वयं भगवान शंकर की कृपा से उत्पन्न हुआ है। कहते हैं किसी समय में भगवान शंकर और माता पार्वती यहाँ पर वास किया करते थे। एक दिन वन में घूमते घूमते पार्वती जी को प्यास लगी, तब भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से धरती को भेद कर पाताल गंगा प्रवाहित की। ये वही पावन पाताल गंगा है जिसे आज शिवालय तीर्थ के नाम से पूजा जाता है। शिवालय तीर्थ शिव का आलय यानी निवास है। शिवालय कुंड की इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है कि इस कुंड के जल ने माता पार्वती की प्यास बुझाई है। यही नहीं, कहते हैं जगत पिता ब्रह्मा ने यहाँ साक्षात प्रकट होकर इस पवित्र जल की महिमा का वर्णन किया था। ब्रह्मा जी ने कहा था कि इस जल के स्पर्श मात्र से ही जीवन कष्टों से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने ही 8 दिशाओं से अष्ट तीर्थों का आवाहन करके उन्हें यहाँ स्थापित किया। तभी से इस सरोवर को ब्रह्म सरोवर भी कहते हैं। ये अष्ट तीर्थ 8 दिशाओं को अपनी पवित्रता से धन्य कर रहे हैं। शिवालय सरोवर के उत्तर में काशी तीर्थ, ईशान्य दिशा में गया, पूर्व में गंगा संगम, आग्नेय दिशा में विरज तीर्थ, दक्षिण में विशाल तीर्थ, नैऋत्य दिशा में त्र्यंबक, पश्चिम में द्वारावती और वायव्य दिशा में रेवा तीर्थ स्थित है। भगवान शंकर से प्रेम हो तो उनके पुत्र गणाधीश श्री गणेश की श्रद्धा स्वयं ही जाग उठती है। श्री गणेश को भोलेनाथ का वरदान था कि उनकी आराधना इस संसार के सभी देवी देवताओं से पहले होगी, यहाँ तक कि स्वयं आदिदेव शंकर से भी पहले होगी। इसीलिए आज भी ये विश्वास है कि शिव की पूर्ण कृपा भी गणेश की भक्ति से ही प्राप्त होती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ। श्री गणेश ओमकार का स्वरूप है, वो सुख करता और दुख हरता है। श्री गणेश कलयुग के देवता हैं और ऐसा विश्वास है कि उनके आशीर्वाद बिना इस युग में उद्धार संभव नहीं है। निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु
भगवान श्री गणेश का ये मंदिर त्रेता युग से पूज्य है। यही वो द्वार है जहाँ से सुख शांति और प्रेम की उस अमृत धारा का श्री गणेश होता है, जो भगवान कृष्णेश्वर की इस धरती को आठों पहर सींचता रहता है। इस संसार के सभी मंत्रों का महामंत्र है ओम, और भगवान शंकर को साक्षात ओमकार का स्वरूप माना जाता है। जैसे ओमकार की गूंज मन को पावन कर देती है, वैसे ही भोलेनाथ की भक्ति से जीवन का हर क्षण पवित्र हो जाता है। श्रवण नयन शंभा मान शंभा अपराधम विगितम विगितम वा सर्वमेद समस्त जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। भगवान शंकर संकट नाशक हैं। सृष्टि के प्रारंभ से ही वो इस संसार का कल्याण करने आए हैं। कभी विषपान करके तो कभी गंगा को जटाओं में समेट के उन्होंने इस संसार की रक्षा की है। शिव की कृपाएं उस दीप शिखा की तरह है जिसका प्रकाश जन्म जन्मांतर के अंधेरे मिटा देता है। यही प्रकाश हमारे जीवन को आलोकित करता है। इन्हीं उजालों में हमें वो राह दिखती है जो सीधे शिव की ओर जाती है। प्रार्थना वो बंधन है जो भक्त को भगवान से जोड़ता है, जिसने हमें जीवन दिया है, हमारी आंखों को रोशनी और हमारे हाथों को शक्ति दी है। हम उस विधाता पर बार बार न्योछावर भी हों फिर भी कम है। श्रद्धा की इस यात्रा में हर क्षण हमारे साथ रहिए और विश्वास रखिए, ईश्वर को पाना ही जीवन का परम लक्ष्य है और किसी भी लक्ष्य तक पहुँचना यात्रा के बिना संभव नहीं। नमस्कार। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल Travel with Dipti Bhatnagar.